पेन प्रोडक्शन फिल्म तो हर कोई, हर टॉम डिक एंड हैरी, नंदूलाल शंदूलाल हर कोई कर सकता है, लेकिन कहते हैं भरोसा पाना और उस तरह की प्रीमियम गाड़ी को अपने ऑफिस तक बुलाना, तीन तीन चार चार दिन अपने पास रखना, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ दो सौ गाड़ी से ज़्यादा कर चुके हैं, तो मतलब ये क्या है, रायपुर वालों को भरोसा है। तो आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। तो ये वीडियो जो होने वाला है पेन प्रोटेक्शन फिल्म इन मर्सिडीज GLE। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। मैं निशान जोशी आपके लिए लेके एक और नया वीडियो, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ये कहते हैं ना मर्सिडीज GLE सिल्वर कलर की, इतना सुंदर सिल्वर कलर ये है कि मतलब कहते ना अब मैं देख के पागल हो रहा हूँ, मतलब तो औरों की क्या बात करूँ। बट वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले मैं आप सभी को कार 360 परिवार की तरफ से बिलेटेड हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ। दिवाली हम सबकी बहुत अच्छी रही इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन, इन टर्म्स ऑफ फैमिली वाइज फ्रेंड्स गेट टुगेदर, कहते ना इट वाज ऑल रोल आउट मस्ती बहुत हर तरीके से। अब रही बात, आप सोच रहे होगी ये पीछे ब्लैक कलर की कार खड़ी है और मैं इसको सिल्वर बोल रहा हूँ, क्या मैं कलर ब्लाइंड हो गया हूँ कि मैं आपको कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ? ऐसा नहीं। अब देखिए एक वीडियो चल रहा है, वॉइस ओवर तो अभी यही चीज कंटिन्यू रहेगी जो मैं बोल रहा हूँ। ये ना एक सिल्वर कलर की मर्सिडीज एट द सेम टाइम ब्लैक मर्सिडीज GLE, दोनों GLE सेम वेरिएंट सेम मंथ परचेस्ड मेरे पास आई थी पेन प्रोटेक्शन फिल्म के लिए। मैंने दोनों का वीडियो शॉट लिया, उसका भी लिया, बट आप देख रहे हो उसमें मैं गूंगा रह गया, कहीं ना कहीं माइक ने मेरे को धोखा दे दिया। तो दैट्स द रीज़न। अब उस कार के साथ नहीं, इस कार के साथ ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सिल्वर के साथ हूँ। आपसे से रिक्वेस्ट करूँ कि आप जस्ट विजुलाइज करो कि सिल्वर कलर की मर्सिडीज़ है, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कैसे ये गाड़ी है, कौन है ये कस्टमर और कैस क्या क्या मैं इन कस्टमर की गाड़ियों में काम कर चुका, एट द सेम टाइम एंटायर PPA प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी है। अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, मतलब कुछ दिनों से नहीं, मतलब YouTube में आए हुए, मतलब जुमा 6-7 महीने हुए हैं ऑलरेडी। मैं रुकी, कभी माइक नहीं चलता तो कभी हो सकता है चीज़ें ब्लर हो जाती हैं जब वीडियो ले रहा होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंस्टेंसेज आते हैं। बट एट द सेम टाइम पब्लिक से भी इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही कि भाई तुम कहाँ गलत हो रहे, कहाँ पे तुम एक ही चीज़ बोले जा रहे हो। अब क्या, जैसे मैं अब नीचे एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, अब ये वीडियो तो बहुत लोगों ने देखा, अब 98% जनता वो है जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ये जनता जो है उस जनता जनार्दन से अपील है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत छोटी बात है, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे परिवार को और बढ़ाएगा। एट द सेम टाइम जितने भी हम काम कर रहे हैं, चाहे आज तो हम PPF का काम करें, सी हर चीज़ का एक समय होता है, एक दौर होता है, ऐसा नहीं कि PPF लाइफ टाइम चलती रहेगी। पहले टेफ्लॉन कोटिंग थी, उसके बाद सेरेमिक आई, देन ग्रेफाइन आई, आज PPF आई, इसके बाद हो सकता है कुछ और है। तो टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें नहीं आती जाएंगी वो ऑटो पायलट मोड में आपके पास नोटिफाइड होते रहेंगे आप, एंड एट द सेम टाइम मेरा परिवार बढ़ता रहेगा तो मतलब हमारे बिजनेस में भी थोड़ा बूस्ट आएगा। तो आपका तो कुछ नहीं जाता, बट अगेन रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बटन को टैप को आप क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें, सो दैट सारी नोटिफिकेशन आप तक आए। और ये वीडियोज़ जितने भी हम बना रहे हैं अच्छे लग रहे हैं तो उसको लाइक करिए, बुरे लग रहे हैं तो डिसलाइक करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करिए, सो दैट एंगेजमेंट रेट बना रहे। एट द सेम टाइम अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में सर्कुलेट प्लीज़ ज़रूर से करिए। वॉशिंग, वॉशिंग में कहते हैं ना सबसे पहले वॉशिंग क्या होता है, कार को धोना और कुछ नहीं, मतलब देयर इज़ नो रॉकेट साइंस बिहाइंड इट कि कार को करना है क्या वॉशिंग में, बट हाँ थोड़ी सी साइंस उसमें भी अप्लाई होती है। जब भी कोई कार आती है हमारे पास डिटेलिंग के लिए, विज़ावे सेरेमिक कोटिंग हो, ग्रेफाइन कोटिंग हो, या फॉर एग्जांपल पेन प्रोटेक्शन फिल्म हो, किसी भी तरह के काम के लिए अगर कार आती है तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट कि जो भी नेकेड आई विजिबल डस्ट है उसको रिमूव करना। तो उसमें कोई भी रॉकेटरी यूज़ नहीं होती, स्ट्रेट अवे आप पानी, मतलब कहते हैं हमारे प्रेशर वॉशर से हम लोग पानी मारते हैं, डस्ट वगैरह सब चली जाती है। देन कम्स द आयरन डिकन्टेमिनेशन पार्ट। अब आता है आयरन डिकन्टेमिनेशन पार्ट। अब ये आयरन डिकन्टेमिनेशन क्या होता है, आपकी गाड़ी के थ्रू आउट द बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट द हुड रूफ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, उसमें कहीं ना स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब आयरन पार्टिकल्स हैं, एक्यूमुलेशन हुआ है, कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल वो ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइज इन द सेंस रस्ट फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में तब्दील हो जाएंगे। तो
तो आपकी कार का कलर ओरिएंटेशन ही चेंज हो जाएगा, तो उसको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स द रीज़न ये स्प्रे हम लोग केमिकल यूज़ करते हैं जिसका नाम है आयरन एक्स। वंस दिस इज़ यूज्ड, जहाँ जहाँ पे भी आयरन पार्टिकल्स होते हैं वो मेल्ट डाउन होकर पर्पल कलर में मेल्ट डाउन होकर वो वॉश अवे हो जाते हैं। वंस दिस इज़ डन, अब बारी है क्लेइंग की। क्लेइंग डजन मीन्स कि ये जो बच्चों का खेलने वाला क्ले आता है जिससे वो लोग वेरियस टॉप टाइप ऑफ कहते हैं ना वो कार्टून्स बनाते हैं ऑल दो स्टफ, इट्स नॉट दैट दैट। ये क्ले कार के लिए स्पेसिफिकली है। इसके तीन पर्पस है मेनली। फर्स्ट, ये जो भी टारमाक होता है रोड से जो भी आपकी गाड़ी की बॉडी में चिपका हुआ है उसको निकालता है। सेकंड, कोई भी हल्के से वाटर मार्क्स अगर बॉडी में आपके कार के पेंट में ऑलरेडी आ चुके हैं ये उसको भी निकाल देता है। एंड थर्ड लास्टली, जो भी आयरन प्लस पार्टिकल्स रह जाते हैं इन टर्म्स ऑफ आयरन एक्स लगाते समय, तो ये उसको भी रिमूव कर देता है। तो दिस इज़ अ लास्ट स्टेप। देन फाइनली वॉशिंग कहते हैं ना उसको, डीप इंटेंस क्लीनिंग वॉश। इंटेंस क्लीनिंग इन सेंस शैम्पू वगैरह से लगा के कार को वॉश करके फिर अपने स्टूडियो के अंदर ले आते हैं फॉर द फाइनल प्रिपरेशन ऑफ पेंट रिस्टोरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ वेदर यू कॉल इट सेरेमिक, वेदर यू कॉल इट ग्रेफाइन, वेदर यू कॉल इट पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। जितने पीपीएफ में वीडियो बना रहा हूँ इतना एकदम स्टीरियोटाइप हो चुके हैं। रीजन बिंग क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, कहानी एक है, कहानी में का किरदार क्या है, एक गाड़ी है, करने क्या वाले हैं, पीपीएफ करने वाले हैं, जानकारी क्या है, भैया वॉशिंग में ये करते हैं, पेंट रिस्टोरेशन ये सब करते हैं, लास्ट में पीपीएफ अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम वॉक अराउंड वीडियो कर देते हैं। तो इस कार में भी खैर वीडियो में सेम टू सेम वही सारी चीज़ें होने वाली हैं। हाँ, बहुत सारे लोग आप लोगों जिन्होंने ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे वीडियोस को पहले, तो आपको सब मालूम है क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। बट कहते हैं ना, जैसे फ्लाइट में बैठते हैं तो हर एयर होस्टेस बार बार बोलती है कि प्लीज़ कृपया सारी सूचनाओं को ध्यान से सुनिए। रीज़न बीइंग नॉट फॉर एवरीवन, इवन इफ देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको मालूम हो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल जो उनको फॉलो करने हो। तो सेम वे अगर आप कार में पीपीएफ अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है, अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये कार है वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम कस्टमर, क्योंकि उनकी मैं फॉर्चुनर ब्लैक कलर को पीपीएफ कर चुका हूँ, जिसमें मैंने वीडियो का लिंक नीचे दे दिया जिसमें पीपीएफ स्कैम को एक्सपोज किया था। एट द सेम टाइम इनकी ऑडी को मैं रैप कर चुका हूँ एम्बुलेंस येलो कलर में, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जिसको आप देख सकते हो। एंड नाउ ही हैज़ बॉट अ न्यू ब्रांड न्यू जीएलई, अब उनकी कार में ये पीपीएफ हुआ है। सो नाउ एवरी डेनिसन ऑप्टिमा वर्जन जो अप्लाई हुआ है इनकी कार में, दिस इट कम्स विद 5 ईयर्स वारंटी। अब इन्होंने जब फर्स्ट टाइम मेरे को बोला था कि मैं जीएलई लेने वाला हूँ सिल्वर कलर की, तो मेरे अंदर ना मतलब वो जो परसेप्शन इन टर्म्स ऑफ कलर, दैट वाज ऑफ अ सिल्वर कलर का जो मतलब नॉर्मल मारुति हुंडई वगैरह में होती है नॉट लाइक दैट। मर्सिडीज़ में भी सिल्वर देखी बट दिस कार अगेन मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब ये वीडियो देखो, मतलब सिल्वर नहीं है, सिल्वर एंड ग्रे के बीच में है एंड इट इज़ लुकिंग फैंटाबुलस। कलर बहुत ही अच्छा है, ना तो ये लाइटर शेड है ना तो ये डार्कर शेड है, बीच में है और इसके अंदर के एस्थेटिक्स अल्टीमेट है। एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू मर्सिडीज, रिलायबिलिटी इज इक्वल टू मर्सिडीज, अगर मैं बोलूं तो गलत नहीं होगा कहीं। टंटना आप देख रहे हो, पेंट रिस्टोरेशन प्रोसेस जो है ना पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इवन मैंने आपको पीपीएफ एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिखा दिया है, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो कार का वॉक अराउंड वीडियो के लिए रेडी आप हो जाओ।
लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं पेंट रिस्टोरेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट क्यों है। पीपीएफ इज अ लास्ट थिंग। पीपीएफ क्या दिखाएगा, क्या दर्शाएगा, क्या बचाएगा? जो उसके नीचे होगा, उसके नीचे क्या होगा, वही सरफेस जिसको आपने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो पेंट रिस्टोरेशन पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लॉस, शाइन सब कुछ अगर अवेलेबल है, उसके ऊपर अगर पीपीएफ अप्लाई हो रहा है, तो आपका पीपीएफ जो है, चाहे जो भी पीपीएफ आप यूज़ कर रहे हो, वो उसको बचा के रखेगा। अगेन, कौन सा पीपीएफ चूज़ करना है, प्लीज़ चेक द रजिस्ट्री। कौन से एप्लीकेटर के पास जाना है, चेक द रजिस्ट्री ऑफ द एप्लीकेटर। सब कुछ बराबर है तो वॉक अराउंड में मिलते हैं, अगर सब बराबर नहीं है, गो बैक टू द गूगल, गूगल सर्च करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन सा पीपीएफ कराना है, नहीं कराना है, कहाँ कराना है, कहाँ नहीं कराना है। ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में वीडियो एंड होने के पहले वो वापस आपसे निवेदन करूँगा, सब्सक्राइब वाला जो टैब है ना, प्लीज़ उसको टैप कर दीजिएगा। एट द सेम टाइम अलाउ ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जितने भी वीडियोज एंड रील्स में बना रहा हूँ, ये सब आप तक पहुँचते रहे। वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी दिवाली फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ कास्ट 360।